Now my next discussion about how to creating a program or user defined functions in C language regarding different problems. Still now we are discussing whatever using the same case we are discussing using functions. So same program we are re-implementing using functions. जो भी प्रोग्राम्स अभी तक लूप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए थे मोस्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम अगेन री इम्प्लीमेंट करेंगे बट बाई यूजिंग फंक्शंस. फंक्शंस का मेन पर्पज क्या था, मीन्स एक बार आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया देन सेम फंक्शंस को मल्टीपल प्लेसेस पर रिक्वायर्ड प्लेसेस पर री यूज करना पॉसिबल. इट विल प्रोवाइड कोड रियूजेबिलिटीज इन दैट केस. फंक्शंस के केसेस में टोटली थ्री टाइप्स से फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करें. थ्री टाइप्स मीन्स फंक्शन सेम रहेगा या जो मेरा एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी रहेगा आपको कोर्स या आगे के प्रोग्राम डिलीवर करने का वो आपको कोर्स में आपको शो कर रहा हूँ. फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में सिंपल मींस वन मोर थिंग्स. इनिशियली मैं स्टार्टिंग करूँगा फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन, देन थोड़ा थोड़ा करके फंक्शंस का लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे. मीन्स सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए एडिशन फंक्शन का यूज करेंगे, आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे सम हायर लेवल ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट वन, इस केस में टोटल केस कितने इंप्लीमेंट. फर्स्ट केस, केस वन के अकॉर्डिंग जब मैं फंक्शंस के प्रोग्राम बनाऊँ, फर्स्ट केस में ओनली सिंपली मैं इंप्लीमेंट करूँगा सम यूजर डिफाइंड फंक्शन एडिंग टू नंबर समथिंग एडिशंस. नेक्स्ट वन, इसके साथ साथ इंप्लीमेंट करेंगे मेन फंक्शन फॉर टेस्टिंग पर्पज. मीन्स कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन टेस्ट कहाँ कराएंगे, इन साइड मेन फंक्शंस. मीन मेन फंक्शंस के अंदर कॉल क्या कराएंगे, दैट एडिशन फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट वे. मीन्स फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा सेम काइंड ऑफ थिंग्स. सेकेंड केस, सेकेंड केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, मीन्स फर्स्ट केस में ओनली सिंगल फंक्शन क्रिएट किया था. नेक्स्ट केस में सिमिलर टाइप्स के ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल्स अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, देन अर्थमेटिक ऑपरेशंस से रिलेटेड फोर फंक्शंस क्रिएट करेंगे. लाइक अगेन वी आर क्रिएटिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन. इस फोर फंक्शंस एक साथ क्रिएट करने के बाद इनको सारे फंक्शन एक साथ टेस्ट करें इनसाइड मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर इनको टेस्ट करने का वे क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ सम इनफाइनाइट लूप. वी आर प्रिपेयरिंग सम इनफाइनाइट लूप, मीन्स कंडीशन एवर गॉन टू बी अ फॉल्स. मीन्स कंडीशन में क्या प्रोवाइड करेंगे, वन. इसके जस्ट बाद मेन्यू क्रिएट करेंगे, मेन्यू के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराएंगे प्रेस वन यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन. प्रेस वन फोर एडिशन, प्रेस टू फोर सब्ट्रैक्शन एंड सोन. इस टाइप से टोटल करेंटली फोर फंक्शंस क्रिएट किए, इसलिए मेनू में टोटल चॉइसेस कितने होंगे, फोर. आफ्टर दैट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस. इसके जस्ट बाद इंप्लीमेंट करें इनसाइड दैट स्विच केस. स्विच के अंदर सप्लाई करेंगे गिवन चॉइस वट एवर एंटर्ड बाई यूजर. देन केस वन, केस टू, केस थ्री. केस वन के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, एडिशन. वी आर कॉलिंग एडिशन. केस टू के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्शंस. लाइक दैट मीन्स जो भी ऑपरेशन यूजर के थ्रू परफॉर्म कराना है, यूजर करेस्पॉन्डिंग चॉइस एंटर करता है. लाइक दैट इसे गिवन फॉर्मेट फॉलो करें इन ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन. जैसे इस केस में अगर बात करें, करेंटली मैंने यूज किया गया है ऑल ऑपरेशन आर रिलेटेड टू अर्थमेटिक ऑपरेशन. सेम एंड नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे लाइक दैट. इन दैट केस लाइक कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, कैलकुलेटिंग एन पी आर, एन सी आर एंड सो ऑन. अगेन सिमिलर टाइप से फिर से सेम लूप प्रिपेयर करें. इसके साथ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट पैटर्न मीन्स मेन के अंदर टेस्ट करने के लिए. मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर फर्स्ट केस में बात करें, फर्स्ट केस में ओनली एक ही ऑपरेशन टेस्ट किया एडिशन. एडिशन में ओनली वन टाइम टेस्ट करना पॉसिबल, लेकिन इस केस में कोई भी ऑपरेशन एन नंबर टाइम्स और एन टाइम्स परफॉर्म कराना पॉसिबल और एनी ऑपरेशन बेस्ड ऑन चॉइस मीन्स व्हाइल और स्विच. इस व्हाइल को टर्मिनेट किससे कराएंगे, मीन्स स्विच के अंदर कोई पर्टिकुलर केस प्रोवाइड करेंगे वाई यूजिंग दिस केस वी आर कॉलिंग एग्जिट फंक्शंस. नेक्स्ट वन, लेकिन अभी तक सारे के सारे प्रोग्राम अवेलेबल कहाँ विद इन अ सेम फाइल लाइक ए डॉट सी. मीन्स सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी अवेलेबल किस प्लेस में, ए डॉट सी के अंदर. मेन फंक्शन भी किस में, ए डॉट सी के अंदर. नेक्स्ट फाइनल पैटर्न फॉलो करेंगे केस थ्री के अकॉर्डिंग मीन्स एग्जैक्ट वे. मीन्स सबसे पहले सारे के सारे जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, रिक्वायर्ड फंक्शन एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करा रहे हैं. इसका एडवांटेज क्या मिलेगा जस्ट अभी इसमें. फॉर एग्जांपल सेकंड पैटर्न में भी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये ऑपरेशन ओनली करेंटली ए डॉट सी के अंदर टेस्ट करना पॉसिबल है. मेन फंक्शन का ए डॉट सी में. अगर इस टाइप से सेपरेटली फाइल्स प्रोवाइड कर, सपोज दैट अगर आपके पास 10 प्रोग्राम्स हैं, 10 मेन फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स फाइल्स, 10 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में अगर आपको सेम फंक्शन रिक्वायर्ड है, सभी फाइल्स में बार बार सेम फंक्शन क्रिएट करनी नीड है.
इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेपरेट वे क्या रहेगा, सबसे पहले सारे के सारे फंक्शन सेपरेट फाइल में क्रिएट करेंगे, लाइक मीन्स सेपरेट मैंने कोई फाइल क्रिएट किया लाइक ऑपरेशन डॉट सी। ऑपरेशन डॉट सी के अंदर ऑल रिक्वायर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सो ऑन लाइक दैट। एक बार सारे के सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस किसी सेपरेट फाइल से मैं क्रिएट करने के बाद, देन जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर सेम फंक्शन रिक्वायर्ड है सम अदर सोर्स फाइल लाइक वी आर क्रिएटिंग एन अदर सोर्स फाइल एज अ टेस्ट डॉट सी, टेस्ट डॉट सी के अंदर अगर यूज करना है देन इनसाइड दैट मेन फंक्शंस मीन्स मेन का फॉर्मेट कैसा है एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस और मे बी डिफरेंट लाइक प्रिपेयरिंग व्हाइल स्विच एंड सो ऑन सेम फॉर्मेट। देन अगेन मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई भी मीन्स जरूरी नहीं कि एवरी टाइम सारे के सारे फंक्शन कॉल करो, आउट ऑफ देम हो सकता है आपको अगर ओनली एडिशन रिक्वायर्ड देन ओनली कॉल क्या कर लेंगे एडिशन। अब पर्टिकुलर अगर आपको सेम ऑपरेशन अगेन टेस्ट डॉट सी के अंदर रिक्वायर्ड देन अगेन रीराइट करनी नीड नहीं बिकॉज सेम ऑपरेशन अवेलेबल इन साइड ऑपरेशन डॉट सी। देन इस प्लेस पर राइट डाउन क्या करेंगे हैस इंक्लूड मीन्स कंटेंट्स इंक्लूड करेंगे ऑफ द ऑपरेशन डॉट सी ओ पी आर डॉट सी। इस स्टार से हैस इंक्लूड का यूज करके किसी भी टाइप के फाइल के कंटेंट्स को इंक्लूड कराना पॉसिबल है। अब सेम प्रोग्राम अगर सपोज दैट इस टाइप से आपके पास 10 प्रोग्राम्स है टेस्ट 1.c टेस्ट 2.c टेस्ट 3.c अगर 10 डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में सेम ऑपरेशन रिक्वायर्ड है सेम ऑपरेशन 10 टाइम्स रिपीट न करके 10 टाइम्स आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स फाइल में राइट डाउन क्या करो हैस इंक्लूड ऑपरेशन डॉट सी। दिस इज द बेस्ट वे। ये सबसे पहले प्रैक्टिस किसके थ्रू करेंगे फर्स्ट केस सेकंड केस फाइनल इंप्लीमेंटेशन राइट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड केस। क्लियर नेक्स्ट वन। अभी मैंने सारे एग्जाम्पल शो किए थे सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू जस्ट पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वन हाई लेवल के सारे पॉसिबल प्रोग्राम्स क्रिएट